Good morning friends, welcome to a Dinesh Miglani Tutorials. In this session we are going to study about the different aspect of banking which is very useful for the students who are going for bank PU examination. It may be either IBPS or State Bank of India examination. For this session I am very thankful to my friend Mr. Hitesh who has spared his valuable time for Dinesh Miglani Tutorials, and in these sessions he will discuss about the different aspects of the banking, the different varieties of questions that are being asked in our examinations. He will help us in making the number of sessions on the banking system that includes the budgets, RBI, central bank, as well as the functions on the bank. I am very thankful to you, Mr. Hitesh. Today we will start with the topic banking history. ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपकी बैंकिंग के साथ कनेक्शन में हेल्प करेगा कि बैंकिंग कैसे इवोल्व हुई और कैसे वो हमारी इंडिया में एक्सपेंड हुई. सो जो वर्ल्ड का फर्स्ट बैंक बना था वो था बैंक ऑफ वेनिस एंड इट वाज सिचुएटेड इन 1117. बैंक ऑफ वेनिस मोस्टली जो हमारी बैंकिंग है वो इटली से स्टार्ट हुई थी. हमारे जो दो सबसे ओल्ड बैंक है बैंक ऑफ वेनिस वो 1117 में स्टार्ट हुआ, लेकिन ये ज्यादा दिन नहीं चल पाया क्योंकि इसको सिर्फ एक ट्रायल बेसिस पे बनाया गया था कि बैंकिंग कैसे चल सकती है. जो इस वक्त प्रेजेंट ओल्डेस्ट बैंक है ये सब प्रेजेंट है, वो खत्म हो चुका है. जो प्रेजेंट ओल्डेस्ट बैंक है वो हमारा मोंटे डी पोर्शे वियना, और ये कब बना था हमारा 1472 में. 1472 में ये तो बात होती है वर्ल्ड हिस्ट्री की. अब बात आती है कि इंडिया में बैंकिंग कब से स्टार्ट हुई. इंडिया में बैंकिंग स्टार्ट हुई थी 1770 से, जब अंग्रेज इंडिया में आ चुके थे. उन्हें क्या था कि इंडिया का गोल्ड कैसे अपने अंदर लेके आए. हमारे इंडिया में पहले गोल्ड चलता था, तो उस टाइम उन्हें एक ऐसा सिस्टम चाहिए था जिससे वो दूसरों का पैसा अपने पास ला सके. तो उसके लिए अंग्रेजों ने क्या किया, 1770 में पहला बैंक बनाया, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जिसका हेडक्वार्टर क्या बना, कैलकटा. अंग्रेजों ने इंडिया में जितनी भी चीजें की हैं उन सब का हेडक्वार्टर मोस्टली कैलकटा था. वो किस लिए था, क्योंकि वो समुद्री मार्ग से आते थे और कैलकटा का अपना क्या है, समुद्री मार्ग है. तो इसलिए इंडिया का पहला बैंक था बैंक ऑफ हिंदुस्तान, हेडक्वार्टर कैलकटा. उसके बाद जो हमारा बैंक बना वो था जनरल बैंक ऑफ इंडिया. ये भी ट्रायल बेसिस पे बनाया गया था, तो थोड़े ही दिनों में इसे बंद कर दिया गया. फिर उसके बाद हमारा बैंक बना 1786 जनरल बैंक ऑफ इंडिया, और इस बैंक के साथ इंडिया में बैंकिंग हिस्ट्री स्टार्ट होती है, बैंकिंग स्टार्ट होती है. अब आपको मैं एक बैंक बताऊंगा जो आगे चल के हमारा SBI बनता है. ये दोनों ऐसे बैंक थे जो इंडिया में बने लेकिन जल्दी ही बंद हो गए, क्योंकि इनको लॉन्ग टर्म के लिए बनाया ही नहीं गया था. इनको सिर्फ किस टर्म के लिए बनाया गया था, शॉर्ट टर्म के लिए. तो इंडिया का जो पहला बैंक अभी तक चल रहा है वो बना था 1806 में, 1806 में बैंक ऑफ कैलकटा. यही हमारा बैंक आगे जाके SBI बनता है, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे. 1806 में हमारा बनता है बैंक ऑफ कैलकटा. ये बैंक किस लिए बनाया गया था, क्योंकि इस टाइम इंडिया में हमारे के पास गोल्ड बहुत सारा होता था, और वैसे अंग्रेज सबसे गोल्ड मांगे कि हमें गोल्ड दे दो, तो वो देते नहीं. तो उन्होंने क्या किया, इक्वल रिजर्व सिस्टम बनाया, इक्वल रिजर्व सिस्टम. इस सिस्टम में होता क्या था कि आप हमें 100 रुपए का गोल्ड दो, उसके हम आपको 100 रुपए नोट के रूप में दे देंगे, क्योंकि गोल्ड तो गोल्ड ही होता है, लेकिन एक नोट को बनाने में हमारी कीमत क्या आती है, 1 रुपए या 2 रुपए. तो उन्होंने क्या कहा कि आप हमें गोल्ड दीजिए, हम आपको उतना ही मनी दे देंगे. वे मनी लेगा क्यों इंडिया, इंडिया के लोगों ने इस मनी को इसलिए अपनाया क्योंकि उस वक्त पूरे वर्ल्ड में अंग्रेजों का राज होता था. तो अगर किसी को इंडिया से बाहर जाना है तो वो गोल्ड की करेंसी को नहीं पहचानते थे, वो इस करेंसी को पहचानते थे जो ब्रिटिशर्स ने बनाई थी.
तो ऐसे इक्वल रिजर्व सिस्टम से अंग्रेजों ने क्या किया, गोल्ड लेके उन्हें मनी दे दिया। ऐसे अंग्रेजों ने हमारा सारा गोल्ड हमसे ले लिया था। अंग्रेज हमेशा ये मानते थे कि इंडियंस को बहला के उनसे कुछ भी करवाया जा सकता है, तो वो क्या करते थे, एक ऐसा सिस्टम बनाए जिससे उन्होंने गोल्ड अपने पास ले लिया। तो 1806 में हमारा बना था बैंक ऑफ कोलकाता, ये हमारा बहुत ही सक्सेसफुल साबित हुआ, इसने बहुत सारा गोल्ड इकट्ठा कर लिया ब्रिटिशर्स के लिए। तो इसी की तर्ज पे, इसी को बेसिक रख के उन्होंने क्या किया, बैंक ऑफ कैलकटा का नाम रीनेम कर दिया, क्योंकि कैलकटा तो सिर्फ एक जगह से रिलेट करता है। उन्होंने 1809 में इसको रीनेम कर दिया बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बंगाल, ताकि सिर्फ कलकत्ता के लोग इसे ना पहचाने, पूरे बंगाल के लोग इसे पहचाने। ये भी बहुत बड़ा सक्सेस हुई ब्रिटिशर्स के लिए। तो ब्रिटिशर्स ने इसी को बेसिक रख के 1840 में हमारा बनाया बैंक ऑफ बॉम्बे, उस वक्त मुंबई को बॉम्बे बोलते थे। और एक और बैंक बनाया 1843 में बैंक ऑफ मद्रास या मद्रास। इन्हीं तीनों बैंकों को मिला के हम क्या कहते हैं, प्रेसिडेंसी ऑफ बैंक्स, क्योंकि ये तीनों ऐसे बैंक थे जिन्होंने अंग्रेजों की बैंकिंग को पूरे इंडिया में फैला दिया था। इन तीनों बैंकों को सब लोग जानते थे, इन्हीं तीनों को हम कहते थे प्रेसिडेंसी ऑफ बैंक। और ये तीनों आगे जाके हमारे SBI बने। तो ऐसे हमारे इंडियन सिस्टम में बैंकिंग इवोल्व हुई। ये था कि इंडिया में कैसे स्टार्ट हुआ। अब हम बिगिन करेंगे कि इनके अलावा बाकी बैंक्स कैसे कैसे बने। जैसे जैसे हिस्ट्री चेंज हुई, जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, इंडिया में और भी बैंक्स बनते गए, और वो कैसे कैसे बने अब हम डील करेंगे उससे। दोस्तों जब ये तीनों बैंक इंडिया में बन चुके थे और फैल चुके थे, उस टाइम इंडिया में क्या हुआ, 1857 में इंडिया में रिवोल्ट हो गया। तो बहुत सारे जो इंडियंस थे उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों के बैंक को यूज करना बंद कर दिया, उन्हें अपना पैसा देना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि वे अंग्रेजों के खिलाफ हो चुके थे। महारानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे जो 1857 की क्रांति में शामिल थे, उसके बाद अंग्रेजों को थोड़ा धक्का लगना शुरू हुआ और ये बैंक डाउन जाना शुरू हो गए। तब अंग्रेजों ने क्या किया, 1865 में इसका एक इलाज निकाला कि अब बैंकों को जॉइंट वेंचर में बनाया जाए। जॉइंट वेंचर का मीनिंग क्या होता है, कि इस बैंक का सिर्फ एक हेड ना हो, इसके शेयर्स बना के सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाए, क्योंकि अगर कभी लॉस आता है तो वो सबके बीच में बट जाए। अगर एक भार को एक बंदा उठाए तो उस पर बहुत ज्यादा हो जाता है, लेकिन उसी भार को 10 बंदे उठाएं तो वो इजिली उठ जाता है। तो कभी अगर बैंकिंग में कभी डाउन भी आते हैं तो भी जो जॉइंट वेंचर बैंक होते हैं, इनके बहुत सारे मालिक होते हैं, बहुत सारे शेयर्स होते हैं, तो जो भी हमारा लॉस होता है वो सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो अंग्रेजों ने फर्स्ट जॉइंट वेंचर बैंक बनाया, अलाहाबाद बैंक। और इसके जितने भी ओनर्स थे ऑल ब्रिटिश ओनर्स थे, इंडियंस नहीं थे। और ब्रिटिश ओनर, ये हमारा फर्स्ट जॉइंट वेंचर बैंक था। उसके बाद बिल्कुल ऐसे ही 1881 में हमारा ओद कमर्शियल बैंक बना, वो भी जॉइंट वेंचर बैंक था, लेकिन फर्स्ट ये था ओद कमर्शियल बैंक।
अब ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, धीरे धीरे अपने जॉइंट वेंचर बैंक बनवा रहे थे। तो उस टाइम इंडियंस ने क्या किया, इंडियंस ने सोचा हम भी मिलकर अपना एक जॉइंट वेंचर बैंक बनाते। तो इंडियंस ने भी अपना एक जॉइंट वेंचर बैंक बनाया 1894 में, एक इंडियन जॉइंट वेंचर बैंक बना। जिसको आज हम कहते हैं पंजाब नेशनल बैंक। और ये किसने बनाया था, लाला लाजपत राय जी ने बनाया था ये, ताकि इंडियंस इसको अच्छे से यूज कर पाए। और जिसके ओनर्स होते थे वो सारे इंडियंस होते थे। इन दोनों में सारे ओनर्स ब्रिटिशर्स थे, जो लेकिन जो अपना था वो पीएनबी था और इसके सारे ओनर्स इंडियंस थे। तो ऐसे हमारे इंडिया में बैंकिंग फैलती गई, पहले सिंपल बैंक्स हुए, फिर जॉइंट वेंचर्स हुए। उसके बाद क्या हुआ मेरे दोस्तों अभी तक हमने पढ़ा कि इंडिया में बैंकिंग पीएनबी कैसे बना, कैसे जॉइंट वेंचर्स बैंक बनने स्टार्ट हुए। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ, 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल हो गया। पार्टीशन ऑफ बंगाल होने के बाद लोगों ने क्या किया, स्वदेशी मूवमेंट शुरू कर दिया। 1906 से 1911 तक हमारा स्वदेशी मूवमेंट चला। स्वदेशी मूवमेंट में लोगों ने जो अंग्रेजों के बैंक थे उनको यूज करना बंद कर दिया, और जो अपने इंडियंस थे सिर्फ वे चीजें यूज करनी स्टार्ट की। पार्टीशन ऑफ बंगाल की वजह से स्टार्ट हुआ था। तो स्वदेशी मूवमेंट्स के अंदर हमारे बहुत सारे बैंक बने, ताकि जो इंडियन यूजर्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा सिर्फ इंडियन बैंक्स का यूज करें। 1906 में हमारा बना बैंक ऑफ इंडिया। 1906 में ही हमारा एक और बैंक बना, कॉरपोरेशन बैंक। इन्हीं सबको आज आप पीएसयू के नाम से जानते हैं। 1907 में हमारा बैंक बना इंडियन बैंक। 1908 में बना बैंक ऑफ बड़ौदा। 1910 में हमारा बैंक बना कैनरा बैंक। 1911 में स्वदेशी मूवमेंट का, एंड दैट इज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो ऐसे हमारे 1, 2, 3, 4, 5, 6 बैंक इवोल्व हुए स्वदेशी मूवमेंट के ड्यूरेशन में। जैसे जैसे ये बैंक बनते गए दोस्तों, इसके बाद क्या हुआ, हमारी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गई। और हमारी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब से लेके कब तक हुई थी, 1914 से लेके 1919 तक, 1914 से लेके 1919 तक हमारी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गई। 1914 से 1919 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। वर्ल्ड वॉर में सबसे ज्यादा लॉस किसका होएगा, जिसकी सबसे ज्यादा हुकूमत होगी। तो उस वक्त लगभग 100 से भी ज्यादा देशों पे ब्रिटिशर्स का राज होता था। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने क्या किया था, ब्रिटिशर्स की कमर तोड़ दी थी।
और उसकी वजह से जो उनकी इंडिया में हुकूमत थी वो हिल गई थी। तो उस टाइम उन्होंने क्या किया, एक तो ये वर्ल्ड वार हो गया और उसी ड्यूरेशन में 1991 में जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हो गया। जलियांवाला बाग, उसकी वजह से क्या हुआ कि जो इंडियंस थे वो बहुत ज्यादा भड़के हुए थे ब्रिटिशर्स से इसकी वजह से, और इसकी वजह से जो अंग्रेज थे वो कमजोर होते जा रहे थे क्योंकि पूरे वर्ल्ड में उन्हें चुनौतियां मिलने लगी थी, सभी देश उनसे लड़ने लगे थे। तो ऐसे में क्या हुआ कि उनकी बैंकिंग का जो होल्ड था ना इंडियन इकोनॉमी से वो जाने लगा था। तो उस टाइम उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने एक बात सोची 1921 में कि जो हमारे प्रेसिडेंसी ऑफ बैंक्स थे कौन से थे, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बॉम्बे एंड बैंक ऑफ बंगाल, उनको आप कैसे याद कर सकते हो, BBM, ब्लैकबेरी मैसेंजर, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे एंड बैंक ऑफ मद्रास, ये होते थे हमारे प्रेसिडेंसी ऑफ बैंक्स। तो 1921 में अंग्रेजों ने क्या किया कि जो अपना होल्ड बनाने के लिए इन तीनों बैंकों को मर्ज कर दिया, और कौन सा बैंक बनाया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ बंगाल हमारे प्रेसिडेंसी ऑफ बैंक्स को क्या किया, मर्ज कर दिया। बैंक ऑफ बॉम्बे एंड बैंक ऑफ मद्रास, इन तीनों को मर्ज किया और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना दिया। इसी को 1956 में रिनेम करके क्या बनाया गया था दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कई बार सुना होगा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने आप को कहता है कि 200 से भी ज्यादा वर्षों से आपकी सेवा में, वो किस लिए कहता है, क्योंकि हमारा बैंक ऑफ बंगाल कब बना था, 1819 में। सर ये कट हो सकता है, SBI अपने आप को क्या कहता है कि वो 200 से भी ज्यादा वर्षों से आपकी सेवा में है, वो किस लिए कहता है, क्योंकि बैंक ऑफ बंगाल हमारा बना था 1809 में, इसकी वजह से ये कहा जाता है कि SBI 200 से भी ज्यादा सालों से चल रहा है। तो इन तीनों बैंकों को मर्ज करके हमारा क्या बना था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और ये अंग्रेजों ने इसलिए बनाया था ताकि ये तीनों बैंक मिलके इंडिया की इकोनॉमी को अपने कंट्रोल में कर सके, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, उनकी ये चाल उन पे ही उल्टी पड़ गई। तो उस टाइम उन्होंने क्या किया, ये जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया था अंग्रेजों ने, ये बहुत बड़ी फेलियर साबित हुई उनकी, क्योंकि लोगों ने इसमें अपना पैसा जमा कराया नहीं। तो फिर उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने लड़ तो सकते नहीं थे इंडियन से, तो उन्होंने 1926 में, वे कूटनीति में बहुत ज्यादा अच्छे होते थे, तो उन्हें 1926 में एक रॉयल कमीशन बनाया। ये इसलिए बनाया गया ताकि वे कोई एक ऐसा सुझाव दें ब्रिटिश गवर्नमेंट को जिससे वे फिर से इंडियन इकोनॉमी पे राज कर सके, फिर से इंडियंस उनके बैंकों में अपना पैसा जमा कराना शुरू कर दे, फिर से जो बैंक उनकी कंट्रोल में हो जाए। तो इस रॉयल कमीशन ने 1927 में अपनी रिपोर्ट दी, लेकिन उस रिपोर्ट को एक्सेप्ट नहीं किया गया। क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट ऐसा मानती है कि जब आप एक कमीशन बनाओ ना तो उसका काम कम से कम 3 सालों तक चले, इतनी जल्दी काम थोड़ी ना होता है गवर्नमेंट में। तो इन्होंने बहुत जल्दी काम कर दिया लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। इसके बाद अंग्रेजों ने क्या किया, 1928 में एटन यंग कमेटी बनाई, और इन्होंने क्या किया, इनकी दो ही रिपोर्ट को ओवरव्यू किया, चेक किया। तो इन्होंने देखा कि
रॉयल कमीशन की रिपोर्ट तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर उन्हें ये भी पता था कि अगर उन्होंने इतनी जल्दी कह दिया गवर्नमेंट को कि हाँ ठीक है तो इसको भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, तो उन्होंने क्या किया, कुछ साल वेट किया और उसके बाद उन्होंने अपना सेम रिपोर्ट एज रॉयल कमीशन, इन्होंने भी अपनी सेम रिपोर्ट दी एज जैसी रॉयल कमीशन ने दी थी। लेकिन उन्होंने कब दी, 1934 में। और इस रिपोर्ट में क्या कहा गया था कि इंडिया में अभी कोई ऐसा बैंक नहीं है जो बाकी सभी बैंकों को कंट्रोल कर सके। दूसरी बात उन्होंने अपनी रिपोर्ट में क्या कही कि जो बैंक इंडिया को कंट्रोल करेगा, सभी बैंक्स को कंट्रोल करेगा, उसका नाम होना चाहिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिपोर्ट में क्या क्या कहा गया, पहली बात नॉट प्रेजेंट बैंक, विच कैन कंट्रोल ओल्ड बैंक्स। दूसरी बात उन्होंने क्या कही कि हमें एक न्यू बैंक बनाना पड़ेगा, ए न्यू बैंक मस्ट बी फॉर्म्ड जो बाकी सभी बैंक्स को कंट्रोल करे, और उसका नाम क्या होना चाहिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नेम शुड बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और उन्होंने क्या कहा कि जो इसकी इनिशियल कैपिटल है वो 5 करोड़ होनी चाहिए। अभी तक जो उसकी कैपिटल है ना आरबीआई की, सिर्फ 5 करोड़ है। इनिशियल कैपिटल शुड बी 5 करोड़। और वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी, 5 लाख शेयर होंगे हर एक 100 रुपए का। इनिशियल कैपिटल 5 करोड़। अरे 5 करोड़ कैसे डिस्ट्रीब्यूट है, 5 लाख शेयर्स ऑफ 100 रुपीज ईच। अभी तक जो आरबीआई की कैपिटल है वो 5 करोड़ ही है। तो आरबीआई बना के अंग्रेजी गवर्नमेंट ने क्या किया, अंग्रेजों ने, कि बैंक्स इंडिया के चल रहे हैं लेकिन उन्हें कंट्रोल कौन करेगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जितने भी ये शेयर्स थे, सारे के सारे जो शेयर्स हैं उसको कौन, ब्रिटिशर्स रखेंगे। तो ऐसे उन्होंने क्या किया, इंडिया की बैंकिंग को अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया, क्योंकि जो भी बैंक चल रहे हैं उनके ऊपर कौन सा होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऐसे हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बना। तो 1934 की इस रिपोर्ट के बाद 1935 में फर्स्ट अप्रैल 1935 को हमारा आरबीआई फॉर्म हो गया। और इसका हेडक्वार्टर क्या बना, अंग्रेज सभी का हेडक्वार्टर क्या बनाते थे, कैलकटा, क्योंकि वहां पे वे समुद्र से आ जा सकते थे तो कंट्रोल कर सकते थे। कैलकटा आरबीआई फॉर्म्ड इन 1935। उसके बाद 1937 में हेडक्वार्टर को मूव करके बॉम्बे भेज दिया गया, हेडक्वार्टर चेंज कर दिया गया। बॉम्बे किस लिए किया गया, क्योंकि जो हमारे इंडिया का नक्शा होता है ना उसमें बॉम्बे लगभग सेंटर पे आता है, तो बॉम्बे से सभी को इजीली रीच किया जा सकता है, वहां से ट्रांसपोर्टेशन इजी पड़ता है। तो अंग्रेजों ने बाद में हर एक चीज का क्या करना शुरू कर दिया था, हेडक्वार्टर बॉम्बे।
इन सब के बाद क्या हुआ, 1939 से 1945 तक हमारी सेकंड वर्ल्ड वॉर चली, और सेकंड वर्ल्ड वॉर ने क्या किया था, अंग्रेजों की बिल्कुल रीढ़ की हड्डी तोड़ दी थी, अंग्रेजों का कंट्रोल सभी चीजों पे चला गया था। और ऐसे टाइम पे दो चीजें फॉर्म्ड हुई, IMF एंड वर्ल्ड बैंक। हमारा यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन बना UNO, और हमारे IMF एंड वर्ल्ड बैंक फॉर्म हुए 1945 में। अब जब UNO बन चुका था तो UNO ने क्या कहा, UNO ने ब्रिटिशर्स को कहा कि आप इंडिया को आजाद कर दीजिए अब, क्योंकि वहां के लोग अब आजादी लेना चाहते हैं, वे अपने देश को संभाल सकते हैं। तो ब्रिटिशर्स ने क्या कहा कि इंडिया के लोग लड़ तो सकते हैं लेकिन अभी उनमें इतनी काबिलियत नहीं है कि वो अपने देश को संभाल सके। लेकिन UNO का हुक्म था तो ब्रिटिशर्स को मानना पड़ता था। तो 1947 में ब्रिटिशर्स ने इंडिया को फ्री किया। 2 ईयर्स के ट्रायल बेसिस पे उन्होंने क्या कहा कि हम देखते हैं कि 2 साल तक जो इंडियंस है वो अपने देश को संभाल सकते हैं या नहीं। अगर उन्होंने संभाल लिया तो ठीक है, अगर नहीं संभाला तो फिर से जो इंडिया है वो अंग्रेजों की हुकूमत में आ जाता। फिर 1949 में इंडिया को फाइनली कंप्लीट फ्रीडम मिल गई, क्योंकि 2 साल उन्होंने अपने देश को संभाल लिया था। अब 1949 में क्या हुआ था कि 1947 में जैसे इंडिया फ्री हुआ तो पाकिस्तान को भी सेपरेट करना था, और किसी भी देश को सेपरेट करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, उसे कुछ मनी देना होता है। जब भी दो देश अलग होते हैं ना तो बड़ा देश छोटे देश को मनी देता है ताकि वो थोड़े टाइम तक अपने आप को संभाल सके, स्टैंड हो सके। तो जब 1949 में इंडिया को कंप्लीट फ्रीडम मिल गया और इंडिया और पाकिस्तान पूरी तरह से सेपरेट होने लगे, उस टाइम हमारी गवर्नमेंट के पास पैसा तो होता नहीं था, तो वो पैसा लाए कहाँ से। अब पैसे याद आते सबको, बैंक याद आते। तो 1949 में हमारा क्या बना, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। और इस एक्ट से उन्होंने क्या किया, जो सभी बैंक्स थे उनको गवर्नमेंट के अंडर ले लिया, उस सब जितने भी बैंक होते थे, कॉरपोरेशन बैंक, PNB, बैंक ऑफ इंडिया, उन सबको गवर्नमेंट ने अपने अंडर ले लिया और वे पब्लिक सेक्टर बैंक्स बन गए। अब जैसे उन्होंने बैंकों को अपने कब्जे में लिया, उनके पास मनी आ गया, और मनी आते उन्होंने क्या किया, पाकिस्तान को सेपरेट कर दिया 64 करोड़ रुपए देके, सेपरेट पाकिस्तान। अब उसके बाद क्या हुआ, 1952 में हमारी एक कमेटी बनाई गई, 1952 में हमारी एक कमेटी बनी, AD गोरेवाला कमेटी। और इस कमेटी ने क्या कहा कि जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है ना उसका नाम हमें चेंज कर देना चाहिए। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 1954 में दी, और इस कमेटी ने क्या कहा कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर देना चाहिए। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया रिनेम्ड SBI, और 1955 में ऐसा हो गया। तो हमारा SBI एक्ट 1955 बना। दोस्तों पब्लिक सेक्टर बैंक्स में SBI को नहीं लिया जाता, उसका रीजन क्या है, IBPS के एग्जाम्स होते हैं उसमें हमारे 21 पब्लिक सेक्टर बैंक्स आते हैं, लेकिन SBI का अलग से एक्ट है।
इसलिए SBI और IDBI उसको उसमें कंसिडर नहीं किया जाता, क्योंकि IDBI एक 1964 और SBI एक 1955, ये दोनों बैंक अपने अलग अलग एक्ट से बने थे। और जैसे ही SBI एक्ट बना 1 जुलाई 1955 को हमारा क्या हुआ, SBI फॉर्म हो गया। पहले किसी भी चीज की कमेटी बनती है, फिर उसकी रिपोर्ट बनती है, फिर उसका एक्ट बनता है, उसके बाद वो चीज फाइनली बनती है। तो 1955 में हमारा SBI फॉर्म हो गया। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, अभी तक आपने सीखा कि हमारे देश में RBI कैसे बना, पब्लिक सेक्टर बैंक्स कैसे बने, SBI कैसे बना। उसके बाद 1957 में करेंसी प्रिंटिंग सिस्टम आ गया। करेंसी प्रिंटिंग सिस्टम क्या कहते हैं, करेंसी प्रिंटिंग सिस्टम कहते हैं कि आप IMF के बाद 200 करोड़ रुपयों को जमा कराइए, हमें 200 करोड़ रुपए जमा कराने हैं IMF के पास। और ये 200 करोड़ कैसे होने चाहिए, 115 करोड़ गोल्ड की फॉर्म में और 85 करोड़ फॉरेन करेंसी की फॉर्म में, फॉरेन करेंसी। करेंसी प्रिंटिंग सिस्टम के बाद कि जब हमने IMF के पास 200 करोड़ रुपए जमा करा दिए, उसके बाद क्या होता है कि हमारा RBI जितने चाहे उतने रुपए पब्लिश कर सकता है। लेकिन वो ऐसा करता क्यों नहीं, क्योंकि अगर ज्यादा मनी डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो उससे क्या बढ़ेगा, महंगाई बढ़ जाएगी, और महंगाई बढ़ने से क्या होगा, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है वो कम हो जाएंगे। अभी जिम्बाब्वे में क्या हुआ था कि वहां पे 1 ट्रिलियन का नोट भी छपा था, 1 ट्रिलियन जिम्बाब्वे डॉलर का। और ऐसा किस लिए हुआ, क्योंकि उनका बैंक नोट छापता गया जिसकी वजह से वहां पे महंगाई बढ़ गई। अब रिक्शा वाले को भी 2 लाख रुपए जब देने पड़ेंगे तो वो कैसे रखेंगे, तो इसलिए उन्होंने 1 ट्रिलियन तक का नोट पब्लिश कर दिया। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, किसी भी देश में जब ऐसी स्थिति आ जाती है ना, जब वहां पे इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, तो सिर्फ एक मेथड होता है उस चीज से बचने का, उसको बोलते हैं डिमोनेटाइजेशन। अभी जिम्बाब्वे ने डिमोनेटाइजेशन किया है। वो कैसे किया, उन्होंने अपनी करेंसी को चेंज कर दिया, उन्होंने अपनी करेंसी को जिम्बाब्वे डॉलर से US डॉलर में चेंज कर दिया। तो इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा ना बढ़ जाए, इसके लिए हमारा RBI नोट पब्लिश सिर्फ उतना ही करता है जिससे हमारी करेंसी चल जाए, हमारी इकोनॉमी चलती रहे। थैंक्स दोस्तों, हम अपनी बैंकिंग हिस्ट्री कंप्लीट कर चुके हैं।